हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? तो भाई बज रहे हैं सुबह के 8:15 और मैं नहा धो के एकदम तैयार। और आपको एक चीज़ दिखा, यहाँ पे अपने मंदिर में पूजा हो गई आज, क्योंकि आज है एकादशी का दिन। एकादशी हो ना? हाँ एकादशी है भाई, कन्फ्यूजन था क्योंकि कल धनतेरस है, तो आज एकादशी के दिन सब पूजा वगैरह करना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए देखो यहाँ पर मस्त चमकने लगा मंदिर हमारा। तो मैं भी सुबह जल्दी जल्दी पूजा कर लेता हूँ और फिर उसके बाद करता हूँ चाय नाश्ता और फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइज पूरा घर साफ हो गया था, सिर्फ ये 4 लोग बच गए जो यहाँ पे गमला लगा हुआ था ना, उसमें से निकाल के इसको धो के और वापस से लगा दिया जाएगा, तो आज शाम तक सूख जाएगा। और यहाँ पर जितना तोरण था सब घर में का, वो सब कुछ धो के रखा हुआ है। तो चलो इसको लगा के फिर आपको दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। पहले यहाँ पे ही लगेगा भाई, देखो यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे जगह खाली है और बाहर इसको लगा के फिर आपको दिखाता। तो देखो गाइस ये यहाँ पे लग गया है, ये यहाँ पे लग गया है और एक ये बाहर से लग गया है। तो ये हमारा रूम नंबर 304 अभी, ये मतलब हमेशा लगा रहता है, ऐसा नहीं है कि खास दिवाली टाइम में तो लगेगा, वो हमेशा हमारे घर में लगा ही रहता है तोरण, सारे रूम्स में और बाहर हॉल में। अभी फिर ये रह गया है क्योंकि इसका जो कवर था वो सब धोया हुआ था, अब इसको फिर पूरा मेहनत से लगाना पड़ेगा यार, लगाने में बड़ा टाइम चला जाता है इसका। चलो इसको भी लगा देता हूँ। तो भाई देखो फाइनली 20 मिनट के मेहनत के बाद ये तैयार हो गया, अच्छा लगने लगा। तो गाइज़ मैं अभी ना जा रहा था एक जगह पे, एक्चुअल में मेरे को एक जन को पैसा देना था, BC का पैसा, वो देने के लिए जा रहा था जहाँ सुनीता मामी रहती है ना, उनके घर के पास, मतलब उन्हीं के फ्लोर पे नहीं यार, उन्हीं के बिल्डिंग में, वो 4th फ्लोर पे रहती है, सुनीता मामी 2nd फ्लोर पे रहती है। अरे भाई इतना क्या डरा रहे हो? तो जाता हूँ पहले उनको देख आता हूँ। वो सर्वोत्तम के उस साइड रहती है और मैं इस साइड रहता हूँ भाई, मैं सर्वोत्तम के इस साइड 1 किलोमीटर पे रहता हूँ और उस साइड 1 किलोमीटर पे रहती है। चलो जाता हूँ फटाफट उनके यहाँ। तो यार गाइज मैं यहाँ पे आ तो गया लेकिन यहाँ पे लिफ्ट बंद है, हो गया कांड। 4th फ्लोर पे रहती है भाई बुआ, और सीढ़ी देख, जीवदानी माता की सीढ़ी पावागढ़ जैसी, हिम्मत गवाही दे देगी भाई 4th फ्लोर पे चढ़ते चढ़ते। चलो जाते हूँ, देखता हूँ कितने टाइम में पहुँचता हूँ। अरे बाप रे, 4th फ्लोर पहुँचते पहुँचते भाई पैर भी एकदम जाम हो गए। गाइस यहाँ का काम जो था वो ख़त्म हो गया, तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस घर पे। चलो स्टार्ट करता हूँ बाइक, इनकी भी पार्किंग अच्छी है, बाइक अंदर पार्क हो जाती है। चलो जाता हूँ घर पे। गाइस देखो आज हमारे दोपहर के खाने में चोखा और रोटी। चोखा रोटी इसलिए बनाए क्योंकि आज है एकादशी और एकादशी के दिन चावल नहीं बनता, तो आज हम पूरे दिन चावल नहीं खाएंगे, तो शाम को भी कुछ नहीं बनेगा, मतलब चावल का कुछ नहीं बनेगा, और बाकी कल से वापस खा सकते हैं, तो इसके लिए आज सिर्फ रोटी रोटी रोटी। तो चलो खाते हैं दोपहर का लंच। तो गाइज देखो वो जो कल मैंने बालकनी में लगाया हुआ था ना लाइट, वो मुझे सिंगल सिंगल छोटा लग रहा था, तो मैंने उसे ला के यहाँ पे लगा दिया। तो अब भी मैं आपको दिखाता हूँ चालू करके, ये देखो भाई ये अभी ज़्यादा अच्छा लगने लगा, वहाँ पे बहुत बेकार लग रहा था, मतलब सिंगल अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ पर देखो एकादशी की आज पूजा चालू है अपने नए वाले मंदिर में, मतलब मंदिर पुराना कलर होने के बाद तो नया ही हो गया भाई। तो भाई मैं अभी जा रहा हूँ टेरिस के ऊपर, मम्मी ने ना चादर वगैरह वो सब धो के डाला हुआ था, तो अभी तक मेरे हिसाब से सूख गया होगा क्योंकि शाम के 7 बजे। चलो जाता हूँ ऊपर देखता हूँ, बड़ा अंधेरा है भाई, खुला तो है। यहाँ पर देखो डरावने लोग, और यहाँ पर देखो चद्दर एकदम सूख गया भाई, अरे हाथ में एकदम सूख गया, ये वाला और ये वाला, थोड़ा टाइम सूखने देता हूँ फिर चलता हूँ अभी। तो गाइज देखो यहाँ पर मंदिर में भी पूरा लाइटिंग हो गया है, मस्त लग रहा है अभी।
चमकने लगा एकदम पूरा। तो गाइस चद्दर लेके आ गया, आते वक्त तो लिफ्ट से आया था लेकिन जाते वक्त सीढ़ियों से जाऊंगा। तो अभी ऐसा हो गया है ना कि जो लिफ्ट मतलब जो अपना टेरिस है उसका चाबी हमेशा खुला रहता है, मतलब ताला खुला रहता है। तो बीच में पहले ना बंद रहता था तो चाबी सिर्फ कुछ लोगों के पास था, मतलब मेरे पास था, ऐसे ऐसे करके एक दो लोगों के पास ही था। तो अभी हमने बोला कि उसको ओपन ही रखते हैं, किसी को भी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है तो कहाँ कहाँ जाएगा चाबी ढूंढने के लिए। तो गाइज़ अभी बज रहे हैं ना शाम के 7:30, लेकिन मुझे ना एक अर्जेंटली काम आ गया है। तो ना अर्जेंटली मुझे एक असाइनमेंट है वो कंप्लीट करना है, और कुछ और भी काम है, मतलब मेल वगैरह वो सब करना है। तो मुझे अभी फिर वापस से स्टार्ट करना पड़ा लैपटॉप, दिन भर तो काम चला ही, अभी इतना टाइम फिर से, तो अभी देखो कितना टाइम में ख़त्म करता हूँ इसको। क्या टेंशन है यार। 19:23 और आज है 9 नवंबर। चलो स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ, फास्ट एंड फास्ट काम ख़त्म करता हूँ। तो यार मैं काम कर रहा था लेकिन अभी मम्मी ने बोला कि चलो नीचे चलते हैं, सब सामान लेके आना है, नमकीन वमकीन सब बनाने के लिए, गुजिया वजिया बनाने के लिए, मैदा वगैरह सब चीज़ चाहिए रहेगा। तो जाता हूँ, चलो नीचे, फिर देखते हैं क्या क्या खरीद सकते हैं क्या क्या नहीं। चलो नीचे जाते हैं। तो गाइस देखो हम लोग आ गए अभी शॉपिंग करने के लिए। भाई आज हम लोग करेंगे नमकीन लाई चूड़ा की शॉपिंग। चलो अभी खरीदते देखते, सामान तो बहुत सारा है, लेना क्या है वो सोच रहे। हम अपने नीचे जो है दुकान पे आए हुए, ये हमको सामान नहीं दे रहे भाई, आधा घंटा हो गया हम लोग को खड़े खड़े, अब तो पैर दुखने लगा है मेरा। बोले रुको, खाना पीना खाओ के शाम को लेके जाना है, जब दुकान बढ़ाने लगेंगे तब बोले आराम से फ्री होम डिलीवरी कर देंगे। भाई देखो महंगाई इतनी बढ़ गई, 10 ग्राम 30 रुपीस। क्या बोलना चाहते हो आप इस महंगाई पे? बोल, मुंह क्यों फिरा रहा है, कुछ तो बोल। महंगाई बहुत बढ़ गई भाई, कुछ बोलो। वो बढ़ती रहती है। अच्छा घटने वाले है? गाइस क्या हैंड राइटिंग है, कंप्यूटर से भी अच्छी हैंड राइटिंग देखो। वाह 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 वाह, पोहा क्या बात है, मैदा, ओ शिट हैंड राइटिंग में मिस्टेक हो गई। गाइस देखो सामान लेके हो गया, अब इसका बिल भी आ गया भाई, दिक्कत आ गया बिल का। हमारी कैशियर यहाँ पे आ गई मम्मी, दो दो 10,261 रुपये। अरे भाई देखो हम लोग ने इतना सारा सामान लिया ना तो हम लोग को ये बोनस मिला है। और चाहिए किराना वाले भैया। अब बोनस किसने दिया, देखो दीना ने दिया है हम लोग को। नहीं उधर दिखाओ। नहीं बस चलो गाइस, सामान बहुत सारा ले लिया है, अभी घर पे जाता हूँ क्योंकि यार ऑफिस का काम कर रहा था उसको छोड़ के आ गया था मैं। नहीं गेट बंद है, चलो घर पे जाता हूँ। गाइस आज रात के खाने में कुछ अलग ही बनेगा, अलग मतलब आज बनेगा भाई मैगी, क्योंकि दोपहर की रोटी बची पड़ी हुई है बहुत सारी, तो पापा और हम लोग थोड़ा दूध के साथ खा लेंगे और बाकी अपने लिए बनाएंगे हम लोग भाई मैगी तड़कती भड़कती एकदम झनकार, क्योंकि बहुत दिन हो गया हम लोग का मैगी खा के, तो काफ़ी दिन से मुंह में पानी आ रहा था। तो चलो आज बनाते हैं स्पेशल मैगी। गाजर वगैरह सब मैंने कल शाम को ही लाया हुआ था, तो अभी चलो कटिंग वटिंग करके और शुरू करते हैं, क्योंकि 8:30 हो गया है तो काटने में ही ज़्यादा टाइम जाता है यार, फिर बनने में तो फटाफट निकाल सकते हैं अपन। तो अपनी सामग्री है भाई तैयार, अभी इसको करते हैं फटाफट कट। सबको उबाल लिया है, उबाल के इसको अलग से रख देता हूँ। आज सूखी वाली मैगी बना रहा हूँ भाई, नहीं तो वैसे सब पानी में एक साथ डाल दो वो भी अच्छा लगता है, लेकिन ये वाला कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आज ये वाले स्टाइल में बनाता हूँ। देखो यहाँ पर सारी सब्जियाँ जो है काट पीट के रख दी गई है, इसको निकाल के एक साइड रख दिया है, अब स्टार्ट करता हूँ गैस। और अभी बज रहे 9:10, अब देखना ये फटाफट बन जाएगा, क्योंकि मैं ना हाफ फ्राई वाला करूँगा जैसे चाइनीज़ बनाते हैं ना वैसा। तो गाइस देखो यहाँ पर
शिमला मिर्ची, गाजर, प्याज एक साथ डाल दे। इसको सिर्फ हल्का फ्राई करूँगा, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। तो जब बहुत ज़्यादा पका के नहीं, फिर बाद में टमाटर थोड़ा सा डाल के, और फिर बने बोला ना चाइनीज स्टाइल में बना लो, जैसे चाइनीज बनाते हैं ना, समझ लो सेम वैसा ही बनने वाला है, कुछ और फर्क नहीं होने वाला है। इसको मतलब हाई फ्लेम पे थोड़ा। सब्जियां कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है भाई, मन कर रहा है ऐसे ही खा ले इसको। तो गाइस मेरे से चल नहीं रहा था वो, मतलब मिलाने के लिए, तो यहाँ पर मम्मी आ गई है उसको अच्छे से मिलाने के लिए भाई। देख के मुंह में पानी आना शुरू। गाइस देखो फाइनली अपनी मैगी जो है वो बन के आ चुकी है, और यहाँ पर सब लोग इंतज़ार में बैठे हैं भाई खाने के। तो चलो इसको खाते और ख़त्म करके फिर मिलते हैं आपसे। यार गाइस खाना पीना खा के हो गया मेरा, और अब भी मैं जा रहा हूँ नीचे वॉक करने के लिए, क्योंकि लगभग हो गए हैं 11 बज रहा है लगभग। तो अभी खाना यार मतलब मैगी ज़बरदस्त बनी हुई थी, तो इसलिए मैंने पेट भर के खा लिया, कुछ ज़्यादा ही भर के खा लिया। थोड़ा वॉक करना ज़्यादा ज़रूरी है, चलो वॉक करके फिर घर पर जाएंगे। तो देखो भाई मंदिर अंदर से भी एकदम लाइटिंग वगैरह इसमें बहुत सा अच्छा लगने लगा, ये सब शाम के टाइम सजाया है, मस्त लग रहा है। देखो ये देखो अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। और एक खम्भे वम्बे पे हर जगह अच्छा दिखने लगा, मज़ा आ गया देख के। तो यार भाई वॉकिंग वगैरह करके हो गया, एकदम थकावट सी लग गई, अभी जा रहा हूँ घर पे। और अभी बज रहे लगभग 12:15, तो मैं अभी जाके सीधा ब्रश ब्रश करके सो जाऊँगा। तो चलो यार मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, मतलब कल मॉर्निंग। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।